इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। माँ भगवती पार्वती जी का धन्यवाद ज्ञापन किया। क्यों? क्योंकि माँ पार्वती जी ने भगवान शिव से राम जी की कथा पूछी और गाने की प्रार्थना की। ये बात बड़ी विचित्र है। देखिए, पहले ये गा लीजिए, फिर चर्चा करते। बाबा ने माँ के प्रति कहा, धन्य धन्य गिरिराज कथावाचक को धन्यवाद नहीं, कथा के यजमान को धन्यवाद। मैं भी, क्या नाम है समिति का, डॉक्टर साहब समिति का नाम क्या है? श्री राम कथा। ठीक है, तो हम भी अपनी समिति को मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों? देखिए, कलयुग में कथा कराना कितना कठिन है तो समिति जानती हो। बहुत कठिन है, बहुत है कठिन है। सहयोग तो लोग करते नहीं, लेकिन क्या क्या सुना देते हैं वो तो जो घूमता होगा उसी को पता होगा। एक कथा कार्यकर्ता एक कथा में हमसे कह रहे थे कि महाराज क्या बताएं, व्यापार छोड़कर हम लोग घूमते हैं, लोग कहते लो अभी नया धंधा शुरू कर दी। ये भी कहते अरे भगवान के कार्य में क्या अंधा क्या धंधा हो। परंतु निश्चित रूप से राघव जी की कृपा है, कलिकाल में भगवत कथा में गति करना बहुत कठिन। सुनना सरल है, गाना सरल है, परंतु सुनाने की रचना बनाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए
समिति के समस्त पदाधिकारी और श्रोतावृंद को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बाबा ने माँ को दिया, हमने आपको दिया, बहुत कठिन। बाबा ने क्या कहा, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, क्या सकल लोक जग गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। जैसे गंगा जी गौमुख से निकलकर और गंगा सागर तक जाते हुए जिन जिन नगरों के पास से होकर जा रही हैं वो सब तीर्थ हो गए, ऐसे भीड़ लगे मेला हो न हो लेकिन माघ और कार्तिक में अवश्य लगता है। दूसरी बात, अमावस्या पूर्णिमा को लगता है, प्रतिपदा को और एकादशी को लगता है, एकादशी है चलते हैं गंगा नहा लेते। गंगा जी जीव के पाप का हरण कर लेती है और कथा गंगा जीव के पाप ताप दोनों का हरण कर ले। सुन भर जाओ, कनवा में परिभर जाए कथा। हमारे सखा लोग सौभाग्यशाली हैं कि मेरे पास भी समय निकल पाया। बहुत कठिन है साहब, समय निकलना है बड़ा कठिन। बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है, लेकिन मिल जाए तो आप समझिए जीवन धन मिल गए। वैसे तो क्या मिल गया, बहुत कठिन है। आप कहेंगे चार बार कह रहे हो कठिन है, का कठिन है, कथा सुनना कठिन है, सुनवाना कठिन है, बहुत कठिन है, सरल नहीं है, बहुत कठिन है। कलयुग में भगवान की कथा मिलना बहुत कठिन है, अरे लेकिन मिल जाए तो जीवन पावन हो जाए। सकल लोक जग पावन गंगा। बाबा ने माँ की प्रशंसा की, बाबा ने कथा की महिमा गाई और मनुष्य के शरीर का देखिए बाबा ने कितना सुंदर वर्णन किया। देवी आपने वह आशंका रखी जो कहते सुनते जीव मात्र का मंगल करती, जिनके कानों में भगवान की कथा नहीं गई वे कान सांप के बिल जैसे, जिन नेत्रों ने संत भगवान के दर्शन नहीं किए वे नेत्र मोर के पंख पर बने नेत्र जैसे। आहा, जो शीश श्रेष्ठ संत सदगुरु देव स्थल में झुके नहीं वे कड़वी लौका के समान, जिनके हृदय में भगवान की भक्ति न आई वो जीव मृतक के समान शव जैसे। जो जिह्वा भगवान नाम गुणगान न करे वो दादुर अर्थात चमगादड़ के जीव जैसे, केवल खावे छय करे। जो जीव सुनकर भगवत कथा प्रसन्न नहीं होता उसकी छाती वज्र के समान। हे गिरिराज पुत्री सुनिए, गिरिजा सुन राम कै लीला सुरहित विमोहन। एक
के राजपुत्री आप धीर बुद्धि हैं, यह राम जी की कथा देव स्वभावी मनुष्यों का तो मंगल करती है लेकिन आसुरी भावी जीव का विमोह उत्पन्न कर देती है। धनुज विमोहनशीला कुतर्कियों का, निंदकों का। राम कथा है क्या? बाबा की परिभाषा, राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुख सत समाज सुर लोक सब कौन सुने ऐसे जा। श्री राम कथा कामधेनु है, इस बात का स्मरण रखिएगा, कामधेनु कोई गौ माता नहीं है। साधना करते 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 जब पक जाती है तो वह साधक कामधेनु प्राप्त कर लेता है, और फिर साधक जो सोचता जाता है वह साधना रूपी कामधेनु पूरा करती जाती है। राजेश जी ये आपके बगल में जानते हैं पड़ोसी, हमने सोचना बंद कर दिया क्योंकि हम जो सोचने लगते हैं वो हमारे राघव जी करने लगते हैं, तो हमने सोचना बंद कर दिया। काहे? क्यों अपना पुण्य नष्ट करेंगे? देखिए धरती पर ऐसा कोई नहीं है कि बिना कुछ लिए कुछ दे, इसको बुरा नहीं मानना चाहिए, ये जगत का व्यवहार है। हम उसी वृक्ष में ठेला मारते हैं जिसमें आम लगा हो, टिकोरा लगा हो, आज इसमें नहीं लगा है, इस बार नहीं बोर आया, ले हो गया, वहां बैठते भी नहीं है। जगत में जिससे हमको कुछ प्राप्त होता है उसी से हम अनुराग रखते हैं, स्नेह रखते हैं, ममता रखते हैं, जिससे नहीं प्राप्त होता उससे हम व्यवहार रखते ही नहीं। हो सकता है आप लोगों में किसी को यह बात अनुकूल न बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, 90 में यदि 40 को बैठा और 50 को न बैठा तो भी कोई खतरा नहीं है, कुछ को तो बैठेगा। मेरा आपका सबका, बाबा कहते हैं सुर नर मुनि सब कहे यह रीति स्वार्थ करही सब की। भगवान के भक्त और भगवान दो को छोड़कर सूर नर मुनि सबकी यह रीति माने परंपरा है, परंपरा माने नियम, नियम माने विधि, विधि माने व्यवहार। जेहिते कछु निज स्वार्थ होई तेही पर ममता कर सब कोई। जिससे अपना स्वार्थ नहीं है उससे आदमी ममता भी नहीं रखता। देखिए व्यवहार में, विहार में, लोभ में, धर्म में, कर्तव्य में बहुत अंतर है। वस्तुतः इन शब्दों पर सोचने का ही समय नहीं है लोगों के पास, परेशान आत्मा है, लोग जुड़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं, न सोचने का समय है न करने का समय है। कई लोग तो क्या करते हैं अपने को भी नहीं पता, लेकिन यह तो सिद्धांत है ना। हमारी आपकी साधना जब तपेगी पकेगी तो कामधेनु बन जाएगी। राम कथा क्या है? कामधेनु है। कैसे? यह कामधेनु जिसके पास आ गई उसकी कामना पूरी कर दे। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।